अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल मास्टर में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं यू खानपुर चैनल, और आज की वीडियो में मैं आपको जो कंप्यूटर की असाइनमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल CS201, 301, इसके अलावा बहुत सारी और भी हैं जिनमें कोडिंग होती है, C++ और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं, तो वो आपने फिर कैसे जमा करानी है और वो कैसे बनती है, इसके अलावा कौन सा सॉफ्टवेयर इसके लिए रिक्वायर होता है, ये बातें इस वीडियो में देख लेते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपने ये सारी चीज़ें खुद से प्रैक्टिस करनी है और सॉफ्टवेयर जो है वह इंस्टॉल कर लाजमी कर लेना अपने सिस्टम के अंदर, तो तभी आप प्रॉपरली इसके ऊपर काम कर सकेंगे। तो चलें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगली बहुत सारी वीडियो इंशाल्लाह आपके इंतज़ार में है और वो आप तक पहुँच जाएंगी। सबसे पहले जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल CS201 की जो असाइनमेंट्स हैं वो देखते हैं, तो आपने इसको आके क्लिक करना है। मैं आपको एग्जांपल आज एक दे रहा हूं और उसमें हम कोडिंग भी आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जल्दी जल्दी। आपने असाइनमेंट फाइल को सबसे पहले तो डाउनलोड करना है, और ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी, इसके ऊपर ही हमें पता चलेगा कि हमें आखिर करना क्या है। ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई है, और ये पहली असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 1, सेमेस्टर फॉल 2024 CS201, और ड्यू डेट इसकी है 7 नवंबर 20 नंबर की है। और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो लाजमी आपने पढ़नी है। अगर आप इनमें से कुछ भी करेंगे तो आपका नंबर 0 हो जाएगा। असाइनमेंट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद भी 0, और वैसे तो होती नहीं है सब। अगर आपकी फ़ाइल जो आप सबमिट करते हैं वो करप्ट होगी तभी नंबर 0, और किसी दूसरे स्टूडेंट से कॉपी की होगी तो भी 0। सॉफ्टवेयर इसके लिए कौन सा इस्तेमाल होना टूल, वो डेव C++ है। और बाकी जो आप बुक्स देखना चाहते हैं तो इसमें जो टॉपिक कवर किए गए हैं वो लूप्स है, स्विच स्टेटमेंट है और इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। इंस्ट्रक्शंस हैं ये कि आपने जो फाइल है वो आपने .cpp फाइल में करनी है। ये एक्सटेंशन है डेव C++ यानी सी लैंग्वेज जिसमें चलाई जाती है सॉफ्टवेयर की, तो उसमें आपने .cpp फाइल जमा करानी है। आपने कोड लिख के MS Word फाइल नहीं जमा करानी, तो इसलिए आपने हर असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शंस लाजमी पढ़ लेनी है। अब आगे एक प्रोग्राम है, वो कहते हैं कि राइट ए प्रोग्राम दैट आउटपुट नेम और आईडी, वो एक नाम शो करेगा और आईडी शो करेगा, और फिर जो है वो आगे ये सारी इंस्ट्रक्शन आपने खुद पढ़नी है। मैं मज़ीद नहीं पढ़ूंगा क्योंकि जो वीडियो है वो लंबी हो जाती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ये सारा कुछ उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि आपका ये शो करेगा, और उसके बाद जो इस प्रोग्राम को लिखने के बाद जब हम डेव C++ में इसको रन करेंगे तो इसका जो फॉलोइंग जो है ना वो शो होगा, ये वाला आउटपुट, और ये सेकंड स्क्रीनशॉट है। और इस तरह जो है ये जो असाइनमेंट्स है आपकी 1 CS201 एक से लेकर 8 लेसन्स, आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो आप ये कोड इंशाल्लाह लिख सकेंगे। अब आ जाएँ ज़रा कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए आपने इसके लिए इस्तेमाल करना है। तो सबसे जो काम करने वाला है वो है इसका डेव C++ सॉफ्टवेयर। आप सिंपली इसको गूगल के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी इंटरनेट से आपको आसानी से अवेलेबल है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आपने इसकी वेबसाइट से करना है। और इसका जो साइज़ है फाइल का वो कम से कम भी जो है ये प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं इसकी, ये 48 से 50 MB के दरमियान जो सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा वो ठीक काम करेगा। आपने जब इसको रन करना है सिंपल आपने ओके करेंगे, जिप फाइल है ये, और आपके पास हो सकता है कि जिप फाइल ना हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसकी शेप ये वाली होगी, मैंने इसको जिप करके रखा हुआ है, ठीक है। आपने जस्ट इसको जो है इसका सेटअप चला देना है और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। और उसके बाद ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, एक्सट्रैक्ट हो जाता था, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अब एक तो हो गया सॉफ्टवेयर हमारे पास, ये इसका आइकन बना हुआ है, और दूसरा है कोड। इसके लिए आपने कोड लिखना है, कोड लिखने के लिए आप डेव C++ में भी लिख सकते हैं इसको, और नोटपैड के अंदर भी लिख सकते हैं, वो जो आप चाहें आपकी आसान मर्ज़ी है आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने
डेव सी प्लस प्लस को चलाना है, और इसमें आके फाइल और फिर इसको न्यू करेंगे और सोर्स फाइल में जाके आपने इसको इस तरह लिखना है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप अगर इसके अंदर कोड लिखते हैं तो आप इसके अंदर ही लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अलग से लिखा है और ये हम इसको वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर कोड को पेस्ट करते हैं, ये सारा कोड है, और इसमें हम आईडी को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे जो नाम है और आईडी भी लिखी जाएगी आपकी, तो हम आईडी देख लेते हैं। याद रखें ये ऐसी असाइनमेंट नहीं होती कि आप कोई एक बना ले यानी अपनी आईडी के साथ और फिर बाकी सारे वही फाइल उठा के सबमिट कर दें, ये हर फाइल के अंदर आपको कंपाइल करना है, हर स्टूडेंट अलग से करेगा, और जो है वो हर स्टूडेंट की जो उसके अंदर नाम और आईडी होगा वो वहाँ पे मेंशन करना है। ये जब फाइल कंपाइल करेंगे तो वो पूछेगा कि फ़ाइल का नाम क्या रखना है और कहाँ रखनी है। डेस्कटॉप के ऊपर हम ये फ़ाइल का नाम लिख के सेव कर रहे हैं, तो ये फ़ाइल कंपाइल हो गई है और उसने शो कर दिया कि इस फाइल में कोई भी एरर नहीं है। अगर कोई इस कोड में एरर होगा तो यहाँ पे ये है जो शो हो जाएगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट के ऊपर से जाके रन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या करता है। ये देखें बिल्कुल ऐसे नाम जो हमने लिखा वो आ गया हुआ है, आईडी भी आ चुकी है, और अब आगे चलते हैं। वो कहता है इंटर द नेम ऑफ 1 to 11 12 मंथ, हम एक प्रेस करते हैं, इंटर करते हैं, वो बता रहा है कि हमें कौन से कितने दिन है उसमें। इस तरह क्लिक करते जाएंगे तो वो शो करता जाएगा कि हर महीने के अंदर कितने डेज़ हैं, और बिल्कुल सेम एस ये हमारा आउटपुट है, यहाँ देखें। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी फ़ाइल है, जो वर्ड फाइल हमने डाउनलोड की है क्वेश्चन फाइल, तो वो बिल्कुल भी इसी तरह यहाँ पे देखें स्क्रीनशॉट है, यहाँ देखें सेम एज है। और अगर हम कोई गलत नंबर पुट करेंगे, फ़र्ज़ करें हम 22 पुट करते हैं, तो वो शो करता है कि भाई ये वाला जो है ना इनवैलिड मंथ है। तो बिल्कुल सेम हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हो गई हैं। तो अब यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, अब इसको भी सेव कर आपका सेव कर देंगे, ये बंद कर देंगे डेव सी प्लस प्लस को, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो आ चुका है, और वो है ये वाली। अब देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है CPP फाइल, ये डेव सी प्लस प्लस की फॉर्मेट है, और नीचे उसका नाम है। अब ऐसा नहीं होगा कि ये जो है स्टूडेंट करे कि यहाँ से इसको रीनेम कर लें और कोई स्टूडेंट इसी फाइल को जमा करा दे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब कोड ओपन होगा तो उसके अंदर लिखा हुआ है वो सेम एज उसी स्टूडेंट का होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको रन कर दूँ ताकि ये मसला भी आपका हल हो जाए। यहाँ पर नाम आ रहा, यहाँ पर देखें आईडी है, और याद रखिए कि इसके आफकर में 759 है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पर देखें इसको अगर हम इस फाइल को रीनेम करें तो हम देखते हैं कि क्या जाके उसके अंदर भी ऐसा होता है, हम 9 की जगह पर 0 कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब इसको चलाते हैं, दोबारा से ओपन करते हैं सी फाइल को, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं है। तो इसलिए अगर आप सिर्फ जो .cpp फाइल है उसको रीनेम करके सबमिट करें तो कोई गलत होगा, आपने कोड के अंदर जाके चीज़ें चेंज करनी होती हैं। हम सेम एज इसको वापस कर देते हैं। तो अब ये वाली फ़ाइल है जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि आपने डेव सी प्लस प्लस फाइल जमा करानी है, और यहाँ पे देखें ना यू मस्ट सबमिट ओनली .cpp फाइल। तो ये वाली जो फाइल है ये है हमारी .cpp फाइल। सिंपल, हम अब इसको LMS में जाएंगे और हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ब्राउज़ करेंगे कि फ़ाइल कहाँ पड़ी है, इसको क्लिक किया और हमारा डेस्कटॉप के ऊपर ये वाली आ गई। याद रखें इस तरह की दो फाइलें बनती हैं, एक ये है, ये तो समझ लें कि एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है, ये उसका कोड है, ये जिसके ऊपर .cpp लिखा हुआ है वाज़े तौर पर, वो आपने जमा करानी है और ये वाली जमा नहीं करानी। ठीक है, तो इसको क्लिक किया और ओपन किया तो फाइल हमारी यहाँ पर आ गई, और देखें यहाँ पर बिल्कुल इसके आकर में ना .cpp आ रहा है। ये दोबारा से कर लेते हैं, तो यहाँ देखें ये LMS ID है और साथ में ही लास्ट में .cpp फाइल है। तो ये फाइल हमने अब अपलोड कर देनी है, ये फाइल हमारी सबमिट हो गई प्रॉपरली। ठीक है, अब आप इसको डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं, और ड्यू डेट के अंदर अगर आपको लगे कि गलत है असाइनमेंट आपकी, गलती से कुछ और आपने अपलोड कर दिया, तो ड्यू डेट के अंदर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सेम एज तरीकाकार है, एरो कीज को प्रेस करेंगे और वापस जाके जो करेक्ट फाइल है आपकी वो आपने दोबारा से सबमिट कर देनी है। ठीक है जी, यहाँ पे इतना ही, और होपफुली आप इन चीज़ों को समझोगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो यहाँ पे है कोड लिखना। ठीक है, अब आप कोड के लिए ChatGPT इस्तेमाल करें, जो भी है ये अब आपका काम है, और कोई भी आप इस तरह का टूल इस्तेमाल करें, खुद लिखें, मेहनत करें। तो ये थी हमारी आज की फाइल के, आपने जो कंप्यूटर की असाइनमेंट्स हैं स्पेशली जिनमें
C++ इस्तेमाल होती है लैंग्वेज, और डेव C++ के अंदर उसकी एग्जीक्यूशन होती है, तो वो किस तरह से जमा करानी है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। LMS में जाके आप चेक करें और साथ ही उसकी इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ें और ड्यू डेट के अंदर अंदर अपनी फाइल को सबमिट करें। और बाकी जो मोबाइल के यूज़र हैं, मोबाइल के ऊपर को करना चाहते हैं, तो फिर आप प्ले स्टोर से के अंदर जाएं और कुछ ऐसा ढूंढें जो आपकी कोडिंग जो है वो उसको एग्जीक्यूट करके दिखा दे मोबाइल के अंदर। तो वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।